जिला पंचायत बोर्ड में करीब 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। जिला पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव रखे। जिला पंचायत अब उड़ीसा के विकास मॉडल के मुताबिक हरिद्वार में विकास कार्य करेगा। हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सदस्यों के क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हरिद्वार के जिला पंचायत सदस्यों का एक दल उड़ीसा जाएगा और वहाँ के विकास मॉडल को देखकर हरिद्वार में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। आने वाला साल है, उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है, जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए, उस पर उसी पर हमारा चर्चा हुई है। पूरे जिले में जिला पंचायत का कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे खड़ंचे का हो, चाहे पानी का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे जो हमारे शमशान घाट है, मुरद घाट है, उनका सफाई का, उनकी सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे मंदिर का हो, अनेकों काम चल रहे हैं। और अब की बार तो जिला पंचायत ने जो हमारा कावड़ मेला चलता था, उसमें भी जिम्मेदारी दी गई थी उसकी सफाई का, पानी का, जो हमारे शिव भक्त है जो कावड़ी आते हैं, उनकी ठहरने की, भोजन की व्यवस्था भी जिला पंचायत ने की थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।